हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं NCISM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। NCISM ने आज से 1 साल पहले जब न्यू सिलेबस आया, न्यू सेशन आया, न्यू कैरिकुलम आया, तो उसमें इन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट लेने थे, जिसमें 10-10 मार्क्स आपको दिए जाते। उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करने थे, लाइव लेक्चर्स को अटेंड करने थे, ठीक है। लेकिन इस पर क्या हुआ, बच्चों ने फीस भी बढ़ा, सारा चीज़ किया, और NCISM का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो मोटो था वो बिल्कुल फेल हो गया। ये मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ साथ हजारों बच्चे कह रहे हैं कि NCISM के द्वारा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो मोटो था वो बिल्कुल फेल हो गया। हर पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्टिव सब्जेक्ट का मोटो फेल हो गया। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। NCISM ने बच्चों से फीस लिए, सारा प्रोसेस हुआ, बच्चों ने इनरोलमेंट भी किया। इनरोलमेंट करने के बाद NCISM के तरफ से कोई भी जो लेक्चर्स कई महीनों तक नहीं आए। फिर लेक्चर्स जब आना शुरू हुआ तो लेक्चर की जो वीडियो की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी लो क्वालिटी में वीडियो को लोड किया गया NCISM के द्वारा इलेक्टिव सब्जेक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें और डिमेरिट्स क्या थे कि जो वीडियो लेक्चर्स है, एक लेक्चर्स, दो लेक्चर, तीन लेक्चर करके कंटिन्यूअस सिक्वेंस में लेक्चर्स थे, तो फर्स्ट लेक्चर अगर पूरा नहीं देखे, पूरा देखने के बाद ही आप सेकेंड लेक्चर, सेकेंड लेक्चर पूरा देखने के बाद ही थर्ड लेक्चर देख सकते थे। फिर एग्जाम देने की बात थी, तो एग्जाम आप फर्स्ट एग्जाम कंप्लीट करने के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ दे सकते थे। तो ये सारी चीजें थी। ये इसके बाद जो लेक्चर्स, जो लाइव लेक्चर्स आए, लाइव लेक्चर्स तब लोड किया गया जब बच्चों को पता ही नहीं था, उसकी कोई नोटिस रिलीज नहीं की, बगैर बताए हुए लाइव लेक्चर्स आ गए। 19, 20 और 21 तारीख के डेट में जो लाइव लेक्चर आए उसमें बहुत सारे बच्चों का लाइव लेक्चर छूट गया। उसमें अटेंडिंग ऑफ लाइव लेक्चर 0% बच्चों का दिखा रहा है। बच्चे काफी परेशान है, इसको लेकर के NCISM की तरफ से अभी कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया गया है। ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए तो इसका कोई विशेष इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, आप सबके फ्यूचर पे परेशान मत होइए। वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्किंग है वो आपको जरूर मिलेगी, बेस्ड ऑन क्रेडिट के आधार पर। आपने एग्जाम दिया है उसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे, आपने जितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसके भी पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के वजह से बच्चों के ऊपर एक मेंटल प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ा, क्योंकि अभी लाइव लेक्चर लगा रहे हैं और मुश्किल से 24 जुलाई के आसपास, आपने कुछ कॉलेजेस की बात चल रही कि 24 जुलाई या जुलाई के लास्ट वीक में जो BAMS फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप 24 जुलाई से होने वाली है, अभी से 1 महीने से भी कम समय बाकी है, और ऐसे समय में आप लाइव लेक्चर्स डाल रहे हो, बच्चों को जो मेन पॉइंट है एजुकेशन का वहाँ से हटा करके अभी बच्चे के ऊपर पूरे BAMS फर्स्ट ईयर पास करने का पूरा प्रेशर है। बच्चे अंदर से मतलब एक टेंस फील कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों से मैंने बात किया और मैक्सिमम बच्चों का यही कंप्लेन है कि सर हम लोग काफ़ी परेशान महसूस कर रहे हैं, टेंशन महसूस कर रहे हैं ये इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर के। अभी अपने सिलेबस को पढ़ने जाए कि सब्जेक्ट के वीडियो देखें, और उसमें भी ये रूल है कि एक वीडियो सर पूरा देखेंगे तो ही आपका आगे होगा, और हम फॉर्म भी फिल करने के लिए हमें ये सारी क्रिटेरिया फुलफिल करनी होती है, ठीक है। तो NCISM के द्वारा ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट का मोटो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो NCISM की टीम से मेरी यही विनती है और आप सभी स्टूडेंट से विनती है कि इस वीडियो को NCISM को टैग करके आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है बच्चों, ताकि जो नेक्स्ट ईयर की जो बैच है उसमें इन सारी चीज़ों को सुधारा जाए, जिसमें सबसे कॉमन चीज़ है वीडियो क्वालिटी, उसको सुधारा जाए। नंबर 2, टाइम टू टाइम लेक्चर्स लोड किया जाए, लास्ट टाइम में लेक्चर लोड न किया जाए, लाइव लेक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए टाइम टू टाइम, स्पेशली फॉर संडे के डे दिन इंट्रोड्यूस किया जाए लाइव लेक्चर्स को, सैटरडे के दिन इंट्रोड्यूस किया जाए और संडे के दिन लाइव लेक्चर को इंट्रोड्यूस किया जाए शुरू से ही, ताकि बच्चे के ऊपर लास्ट में कोई बर्डन न हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।